दोस्तों, क्या मोदी जी राहुल गांधी की देखा देखी अब किसान हितैषी होने की छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं? किसान आंदोलन और किसानों के मुद्दों को लगातार जिस तरह से विपक्ष ने उठाया और हाथों हाथ लोगों ने उसको लिया, क्या उसका नुकसान बीजेपी समझ रही है और उसकी भरपाई करने की जोर आजमाइश कर रही है? क्या इसीलिए मोदी जी एक तरह से खेती किसानी की बात करने के लिए बाकायदा खेतों में पहुंच गए? लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिस पर लोग न केवल सवाल उठा रहे हैं बल्कि मजाक भी उड़ा रहे हैं। दोस्तों, कल पीएम मोदी ने कुछ वीडियोस पोस्ट की अपनी सोशल मीडिया में, कुछ फोटोज़ पोस्ट की ये बताने के लिए कि देश में जो किसानी है, जो खेती है और ख़ास तौर पर जो जैविक खेती है, मतलब जिसमें कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं होता, जिसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, वो कितनी महत्वपूर्ण है, इसे लेकर बहुत से किसान उनसे मिलने आए थे। उनसे उन्होंने बात की मोदी जी ने। देखिए, मोदी जी ने खुद ये शेयर की है फोटो, जिसमें मोदी जी लिखते हैं, हम अपने किसान भाई बहनों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी दिशा में आज दिल्ली में फसलों की 109 नई किस्मों को जारी करने का सुअवसर मिला। जलवायु अनुकूल और ज्यादा उपज देने वाली इन किस्मों से उत्पादन बढ़ने के साथ हमारे अन्नदाताओं की आय भी बढ़ेगी। तो मतलब मोदी जी खुद स्वीकार रहे हैं कि दिल्ली में किसानों से मुलाकात मोदी जी ने की थी। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि दिल्ली में अगर किसान आए होंगे मोदी जी से मिलने के लिए, तो देश के अलग अलग हिस्सों से आए होंगे, तो एक प्लान कार्यक्रम होगा, तो इसके लिए खेतों में जाने की क्या ज़रूरत थी? मतलब मोदी जी किसी कार्यक्रम में, किसी बंद कमरे में, किसी ऑडिटोरियम में कार्यक्रम रख सकते थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए बाकायदा जैविक खेती के जरिए जो जो चीज़ें उगाई गई हैं उनका प्रदर्शन भी किया गया है। इसके अलावा मोदी जी ने कुछ और फोटोज़ भी शेयर की जहाँ बारिश शुरू हो गई थी, क्योंकि कल दिल्ली NCR में काफ़ी बारिश हुई, तो बारिश में मोदी जी छाता लेकर वैसे ही किसानों से बात कर रहे थे और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके साथ खड़े हुए थे। इसके अलावा आज शिवराज सिंह चौहान ने बाकायदा एक आर्टिकल लिखा है किसानों को लेकर, खेतीबाड़ी को लेकर, जिसको मोदी जी ने अपने सोशल मीडिया में शेयर भी किया है। तो बड़ा सवाल ये दोस्तों कि अचानक से किसानों की याद कैसे आ गई सरकार को? दो वजह हैं दोस्तों। इस साल जिन तीन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने, वो उन दो राज्यों में किसान जो वोट बैंक है वो बहुत बड़ा है। हरियाणा उनमें से एक है और महाराष्ट्र उनमें से एक है। महाराष्ट्र वो राज्य है जहाँ पर जो किसानों की आत्महत्या की तादाद है वो बहुत बड़ी मानी जाती है। तो जाहिर तौर पर अगर आपको किसान हितैषी दिखाना है तो किसानों के बीच जाना होगा। ये सब कुछ तब हुआ है दोस्तों जब इसी संसद सत्र में किसानों का एक दल राहुल गांधी से संसद मिलने आया और राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को संसद में एंट्री नहीं दी गई और इसे लेकर काफ़ी बवाल भी मचा। अब बात यह है कि मोदी जी अपने आप को किसान हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि या राहुल गांधी की देखा देखी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ वक्त पहले राहुल गांधी हरियाणा के एक बाकायदा खेत में चले गए थे कुछ ऐसे ही, फिर उन्होंने वो पूरा का पूरा वीडियो अपने सोशल मीडिया में शेयर किया था। राहुल गांधी यहाँ धान बो रहे थे, राहुल गांधी ने धान बोया तो बहुत से लोगों को बुरा भी लगा, बहुत से लोगों ने तमाम तरह का मजाक भी उड़ाया, लेकिन राहुल गांधी का धान बोना कैसे बीजेपी और नरेंद्र मोदी की पूरी राजनीतिक फसल को नुकसान पहुंचा गया, ये आप सब जानते हैं दोस्तों। अब बड़ा सवाल ये है कि मोदी जी जब खेती किसानी की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, तो बार बार उनसे सवाल पूछे जाते हैं। सवाल नंबर एक, 2022 में आय दुगनी का वादा करने वाली सरकार ने कितनी आय दुगनी की? सवाल नंबर दो और सबसे महत्वपूर्ण, पिछले एक साल से ऊपर का वक्त हो गया, हरियाणा बॉर्डर में किसान बैठे हुए हैं, MSP की लीगल गारंटी की मांग कर रहे हैं, सरकार इस पूरे के पूरे मसले पर नानुकुर क्यों कर रही है? मतलब दिक्कत यह है दोस्तों कि किसानी और खेतीबाड़ी पर जब सरकार बात करती है तो सरकार ही चाहती है कि वो अपने स्तर पर अपने तरह से बात करे। किसानों की बात सुनने को सरकार तैयार नहीं है, हरियाणा बॉर्डर से उनको आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और उसके बाद मोदी जी खेती किसानी की बात करने के लिए खेतों में पहुँच जाते हैं, वहाँ फोटो अप करवाते हैं। मतलब दिल्ली में अगर किसान मोदी जी से मिलने आए थे तो मोदी जी उनसे बाकायदा खेतों में मिलने गए, ये दिखाने के लिए कि मोदी जी कितने किसान हितैषी हैं। अच्छी बात है दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री को तो किसान हितैषी होना भी चाहिए, आखिर किसान अन्नदाता जो ठहरे। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि इन फोटो ऑप से क्या किसानों का पेट भर जाएगा, किसानों के सवालों का जवाब मिल जाएगा? दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये दो ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।